सहतो सहज कृतम जातम। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने देखा कि 88,000 ऋषि उनके आश्रम के चारों तरफ पसर गए, बैठ गए। 88,000 के लिए तो जब ही चौड़ी जगह लगी होगी महाराज, है और इतनी लंबी चौड़ी जगह, 5-6,000 लोग बैठते पांडाल में, उसके लिए 2-3 बीघा लगता है। 88,000 ऋषि आए, उनके लिए कितनी जगह लगी होगी महाराज। उसमें से एक ऋषि को सूत जी ने प्रमुख समझ के उठाया और पूछा, यम कश्यम कारणम बंध, यम कश्यम कारणम बंध, ये वे गच्छताम गति, अहम गृहणामि तत्वामि हृदयम् दृश्यम नेत्रो पश्यताम। भैया कहाँ से आए हो, क्या कारण है, कौन हो तुम सब लोग और मुझसे क्या चाहते हो वो बताओ। ये ताम भयम ब्रूयताम, बोलो क्या चाहिए। तब सूत जी ने कहा तो सौनक जी ने प्रश्न किया, अहम भाषांत प्रार्थनाम, गुरुदेव आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ कि मुझे कुछ पूछना है। सुनिए ना विकास जी, ये भाषा शैली तो देख लो, शिष्य की कैसी शैली होनी चाहिए। गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो मुझे वार्ता करनी है, मुझे कुछ कहना है, आज्ञा हो तो। कुछ लोग तो जरा देखो ना, कुछ लोग बगल में आके ना यहाँ पे सुनो ना, गुरुजी गुरुजी शाम को मैं देखूं तो यहाँ पे पकडंडी सी बन जाए। मैंने कहा भाई के कैसे लाल लाल से रोड बन गए यार, रोड कैसे बन, पता चला कि उसने थपड़े आए हुए महाराज। गुरुजी 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 बोलो अब बताओ, जबरदस्ती कुटाई कर रहे महाराज। गुरुजी सुनो ना, गुरुजी सुनो ना, कहा सुने तुम्हारी भैरव है, बहुत कठिन है महाराज। पर मैंने पहले कह दिया 22 मिनट पहले, क्या कहा, धीर गंभीर होगा तभी व्यक्ति शिष्यों को झेल सकता है, नहीं तो ये प्रॉपर्टी किसी पे सहन होने वाली नहीं है। अनर्गलम विद्धि बुद्धाम, शिष्य जो होते हैं ना ये नाम के होते हैं खाली, इनकी बुद्धि कभी बदलती, ये अपनी बुद्धि लड़ाते हैं सब जगह, अपने ही गणित लगाते हैं, अपने ही भाव लगाते हैं और अपना ही गणित बिठाते हैं, अपना ही सेटिंग लगाते हैं, जिसमें इनका फायदा हो ये वो बात करते हैं। गुरुजी फायदा चाहिए तो नोचने को कपड़े तक खींच डालते महाराज, कभी कभी तो मुझको हाथ से पकड़ के बैठना पड़ता है। बोलो बोलो ये हाल है महाराज। अच्छा कुछ आदत की बात है, मैंने जरा आदत ऐसी डाल रखी है सबको कि कहीं से भी खड़े होके बोल ले, कभी भी बोल ले, कहीं भी मिल ले, कहीं भी। बाकी थोड़ा संत गुरुओं का थोड़ा मान मर्यादा है, थोड़ा एटीट्यूड है, हम में नहीं है, हम ऐसे ही। पर जैसे जैसे आदमी का स्टेटस बढ़े तो एटीट्यूड भी बढ़ना चाहिए, कैसा, साफ सुथरा। पर हमें नहीं अच्छा लगता इसलिए हम घुल मिल जाते हैं। कल कहां से कोई आया नया, हम एक मिनट में उसके हो जाते हैं, सीधा डायरेक्ट हमसे मिल ले, टकरा ले, बोल ले, बतरा ले। नहीं बतरा तो हम बुलवाए बिना नहीं छोड़ते, भाई बैठो बोलो, आए कहां से हो बताओ, हम पीछे पड़ जाते हैं। क्यों, परमात्मा हमसे सवाल कर सकते हैं कि ये मैंने तेरे यहाँ भेजा था, पिछले संस्कारों के कारण ये तेरे पास आया, फिर तूने इसे आबा भगत क्यों नहीं दी, हो सकता है मैं ही इसमें बैठ के आया हूँ। क्योंकि ये शरीर तो मात्र देखने का ही तो है, इसके अंदर कोई भी धारणा कर सकते हैं, इसलिए मैं तो सबके अंदर से वही सोच के सबको मान सम्मान, आओ बैठो भाई, आओ करो कराओ करते, जहाँ जरूरत है सिक्योरिटी की वहाँ सिक्योरिटी वाला लगाओ, जिनकी जरूरत है, हमारी जरूरत नहीं है तो हम नहीं लगा रहे। क्यों, परमात्मा को अगर रक्षक माना है तो कठपुतलियों से रक्षा होने वाली भी नहीं है। आपको पता विकास जी, प्रधानमंत्री के लगभग 15 घेरा होते हैं सुरक्षा के, 15 गोल घेरा,
अब आप बताइए, 15 घेरा में से भी इंदिरा गांधी को लपेट दिया काल ने, राजीव गांधी जी को 15 घेराओं की सुरक्षा में, तो फिर हम क्या सुरक्षा करें ये तो बताओ। है देसी बंदूक वारो, एक बार फायर कर दियो तो सुसरो कास्तुर निकले ही ना, दोबारा डालियो फंस जाए। अब बताओ ऐसे गार्ड रख के कहा सुरक्षा होगी, बाहर सुरक्षा होगी? कुत्ता बिल्ली भगाने तो डंडा से भगा लो, फिर ये लोहे की सीकड़ों से क्या हो रहा फूकनियों से? सही है क्या? सही कह रहे महाराज, लोहे की फूकनी से कुछ होने वाला नहीं है, कहीं नहीं होएगा महाराज। इसीलिए महाराज जैसे जैसे आडंबर बढ़ता है, पाखंड बढ़ता है, वैसे वैसे हमको दीवालें भी बढ़ानी पड़ती हैं। अब यहां कुछ है ही ना महाराज, खुला बाजार है सब्र, चेला हमारे अंदर रहते हम बाहर रहते, तो कुछ है ही ना छुपने छुपाने के लिए। पैसा है ना, सोना है ना, बैंक बैलेंस है ना, आता भी है ना ज्यादा, जैसे तैसे सीमेंट हो रहा, लोहा हो रहा, जैसे तैसे टाइल्स आ रही, बड़ी मुश्किल से। पर अच्छी बात यह है कि और कोई टेंशन नहीं, इसलिए हो रहा है। अब इसके साथ और भी कुछ हो तो बड़ा मुश्किल हो जाए। अब सब तो एक जैसे हो नहीं सकते। मैं चाहता हूं कि एक दिन बंद ना हो भोजन भंडारा, निरंतर 2-4-6 हजार लोग निरंतर भोजन करें, निरंतर दवा लें, निरंतर जल लें, निरंतर दूध लें, आवश्यकता अनुसार सेवा निरंतर कंटिन्यू चलनी चाहिए। क्योंकि प्रवाह से एक सेवाएं जब चलती हैं तब आदमी के धर्म का, संस्कृति का, भाव का, भक्ति का, सबका विकास होता है, सबकी उन्नति होती है। आप छोड़ दीजिए, गुरु जी गए छोड़ दो, आपका विकास रुक जाएगा, आपकी उन्नति रुक जाएगी, आपका यश रुक जाएगा, आप दरिद्र हो जाएंगे, आप बेकार हो जाएंगे और आपके बने हुए काम भी बिगड़ने लग जाएंगे। व्यर्थ में रह रहे हैं कुछ लोग यहां, व्यर्थ में। अरे पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, भजन करो, जितना टाइम मिले गीत गाओ, भजन गाओ, बच बचो कर, ये नहीं करो, केवल भक्ति करो, सेवा करो, और जो पीछे पाप हुए उन सबका प्रायश्चित करो। उसके लिए अपन वृंदावन आए, वास कर रहे। वृंदावन का वास देवताओं को नसीब नहीं है, जिनको वास मिला है उनको मीरा की तरह, सुधाम की तरह भगत बन के ही रहना चाहिए। आप समझना, आप बंदूक तानते किसी को मारने के लिए ना, एक आंख से अंधे तो तभी हो जाते जब आप निशाना लगाते, आप एक आंख के कनेटा तो तभी हो गए जब आप निशाना लगा रहे, अभी तो चलाया ही नहीं हथियार आपने। दूसरों को मारने से पहले ही आप एक आंख के हो जाते, कनेटा हो जाते हैं, यहां एक ही आंख से दिखता है, राइफल तानते समय, निशाने लगाते समय। फिर आप अधूरे हो गए तो क्या फायदा है, आधे हो जाते गलत काम कर सोचने से, आपने कुछ गलत सोचा उससे आधा हो जाता है जीवन। उसी प्रपंच से परेशान होकर 88,000 ऋषि कहां आए, संत के पास, सद्गुरु भगवान सूत जी के पास आए।